हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। देश के पहले CDS विपिन रावत के निधन पर उत्तरकाशी में आज भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व निदेशक ने इसे अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत का जाना उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उत्तरकाशी व गंगोत्री विधानसभा वासियों के लिए यह घटना विचलित करने वाली है। बता दें कि जनरल विपिन रावत का ननिहाल उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा के थाती गांव में है। उनके निधन से थाती गांव में भी शोक की लहर है। देश के इस जवान सिपाही को सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल विपिन रावत का एक दुर्घटना में मारा जाना ये बहुत बड़ी एक दुखद घटना है। देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और उत्तराखंड के लिए बहुत भारी क्षति है, क्योंकि उत्तराखंड के मूल पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे और हम उत्तरकाशी वासियों के लिए भी एक सदमे से कम नहीं है, क्योंकि उनका ननिहाल हमारे उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा के थाती धनारी गांव में है। और अभी पिछले 1.5 साल पहले जब वो हरसिल और नेलोंग घाटी में आए थे, जो हमारा बॉर्डर इलाका है, उसके बाद लौटते समय वो अपने ननिहाल गए थे और वहाँ पे अपने लोगों से उन्होंने बातचीत करी, अपने दुख सुख शेयर करे और लोगों ने जो उनके वहाँ पे रिश्तेदार हैं बहुत सारे फोटोएँ खींची है, बातचीत करी है। तो उत्तरकाशी वासियों के लिए, गंगोत्री विधानसभा के लोगों के लिए और संपूर्ण उत्तराखंड के लिए इससे बड़ी दुख की कोई आज दूसरी कोई घटना नहीं है। तो संपूर्ण उत्तराखंड और उत्तरकाशी में एक शोक की लहर है और हम सब लोग अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देश के इस जांबाज सैनिक को, जिसका देश और दुनिया में एक ताकतवर और कुशल रणनीतिकार योद्धा के रूप में जो जाने जाते हैं और जाने जाएंगे, उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज देख जी बताइए, आप लोग आप व्यापार मंडल वाले यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। ये मूल मंत्र सेनाओं को देने वाले हमारे प्रथम CDS विपिन रावत जी के, जो कल होलिका पर दुर्घटना हुई थी, उनकी श्रद्धांजलि सभा का आज व्यापार मंडल द्वारा आयोजन किया गया था। हम सभी लोग वो उत्तराखंड के लाल भी थे और देश के सपूत भी थे, उनके श्रद्धांजलि देने हुए हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं और शाम को 4 बजे कैंडल मार्च का भी आयोजन किया गया है, जिसका समापन है। हर खबर पर है हमारी पहली नज़र, उत्तराखंड की बुलंद आवाज़। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।